So hello everyone, welcome back to my channel guys. My name is Gayatri and as you can see from the thumbnail कि आज जो मैं look create करने वाली हूँ basically ये है inspired makeup look है by Miss Jyoti Sethi. तो Jyoti Sethi तो of course सबको पता ही है कितनी अच्छी है वो, कितनी अच्छी दिखती है वो, कितने अच्छे अच्छे makeup tutorials लाती है, कितने अच्छे vlogs होते हैं, कितने interesting vlogs होते हैं उनके. तो एक्चुअली मुझे वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उनके पास एक पेट है जिसका नाम है मिष्टी. तो मेरे पास भी सेम वैसा ही एक पेट है बट वो मिष्टा है. मिष्टा इन द सेंस कि वो एक फीमेल सॉरी मेल है. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनके व्लॉग्स देखना. बेसिकली मैं इसीलिए देखती हूँ ताकि मैं मिष्टी और एटम को देख पाऊँ. सो यस, तो मैंने सोचा यार कुछ तो अलग करते हैं, बाहर मेकअप अलग अलग जाए. तो बेसिकली मैंने ट्राई किया है कि मैं जो है ये ड्यूई सा पिंक मेकअप आपके साथ शेयर करूँ. तो आप जो है फर्दर देखेंगे मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेप जैसे मुझे जमता है मैंने वो बताने की कोशिश की है. सो यस, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो हेलो, सो गाइज एज यू गोना नो दैट अभी जो मैं मेकअप करने वाली हूँ वो एक्चुअली एक ड्यूई मेकअप करने वाली हूँ. सो फॉर विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज दिस मॉइस्चराइजिंग एंड क्लेंजिंग. सो क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बोथ आर डन नाउ. सो द नेक्स्ट स्टेप वॉज प्राइमिंग. फॉर प्राइमिंग आई यूज दिस एलोवेरा जेल. सो एवरीबडी नोज लाइक हाउ जेल एलोवेरा जेल इज गुड. सो नाउ द फर्स्ट स्टेप, नाउ इन दिस पर्टिकुलर लुक नो आई एम नॉट गोनो ओवर डू इट, इट विल बी वेरी नेचुरल एंड एट द सेम वे ये ग्लोई भी रहेगा. तो सबसे पहले जो गाइज हम पहला जो स्टेप आज यूज़ करने वाले हैं ना वो है दिस एन वाई बे का कंसीलर. सो फर्स्ट आई डू माई कंसीलिंग. सो कंसीलर जो है ना आप अगर इस जो एक्सेस प्रोडक्ट रहता है इसको इसी में डैब कर दो तो थोड़ा आएगा इसमें. एंड आपको जैसे मुझे डार्क सर्कल्स है, डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे जो है अच्छे से लगा रही हूँ और मेरा जो आईब्रो का शेप है ना उसको मैं एक ऐसा शेप दे रही हूँ जैसे कि आप अभी देख सकते हो. सो दैट ये अच्छा एक क्लीन लुक देगा. ओके सो इसी के साथ मेरे को यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर मेरे फेस पे जहाँ पे भी डार्कनेस है इसको हाइड करने के लिए मैं जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना मैं वहाँ वहाँ इसको लगा रही हूँ. ओके एंड देन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर अभी मैंने जो भी लगाया है उसको मैं अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेती हूँ. सो गाइज जैसे आप देख सकते हो मैंने कंसीलर लगाया है बट मैंने मेक श्योर किया है कि मैंने जहाँ लगाया है ना मैं उसी को वहीं पे डार्क करूँ. जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, जहाँ पे मैंने सिर्फ कंसीलर लगाया था ना उसी को मैंने डैप डैप लाइक पोर्शन में जो है वहीं पे उसको रखा है. अभी नेक्स्ट स्टेप जो मैं करने वाली हूँ वो है फाउंडेशन. सो गाइज फाउंडेशन जो है ना ये जैसे है ड्यूई लुक हम क्रिएट करने वाले हैं सो बेसिकली ये थोड़ा सा नेचुरल दिखना चाहिए राइट. सो फॉर विच मैंने मैंने ये शुगर का जो है फाउंडेशन किया है. सो मैंने इसको अपने हैंड पे सिर्फ 2-3 ड्रॉप जो है मैंने लिया है इसको इस तरह से एंड अभी इसमें एक शाइन के लिए मैंने जो है ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ किया है सो दैट एक अच्छा ग्लोई टेक्सचर दे ये आपके फेस को. तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है इस पर और मिस को जो है मैं मिक्स करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई हैंड सो दैट जब हम ये लगाए तो एक अच्छा सा एक शाइन आए आपके फेस को. तो मिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको थोड़ा टाइम देकर अच्छे से मिक्स करो सो दैट ये आप जब लगाओगे तो अच्छा लगे. तो अभी जहाँ पे मैंने नहीं लगाया था लाइक कंसीलर मैं वहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ एंड ब्लेंड. गाइस जैसे आप देख सकते हो मैंने मेरा फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे से ईच एंड एवरी कॉर्नर पे जो है इसको अच्छे से लगाया है. इयर्स पर नेक पर थोड़ा थोड़ा मैंने लगाया है. नाउ नेक्स्ट इज टू सेट दिस. फॉर सेटिंग मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइट का बनाना पाउडर. तो ये थोड़ा सा मैं लूँगी और जहाँ जहाँ मैंने अभी फाउंडेशन लगाया है ना उसको मैं जस्ट पैक करूँगी.
सो गाइज, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको लगाने के बाद जो है ना 30 seconds के लिए ऐसे ही रखना अपने फेस पे, उसके बाद ही इसको जो है सारा ब्लेंड आउट कर देना। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से जो है मेरे जो मैंने पाउडर लगाया था बनाना पाउडर उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है अभी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉन्टोर। फॉर कॉन्टोरिंग जो है ना मैंने ये पैलेट यूज़ किया है फ्रॉम दिस, मैं ये जो ब्राउन कलर का शेड है ये यूज़ करने वाली हूँ। सो ये मेरा जो फाउंडेशन ब्रश है इसी की मदद से मैं ले रही हूँ। तो इसको जो है ना आप थोड़ा लाइट ही रखो। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हो मैंने हल्का सा जो है ना बहुत ही ज़्यादा हल्का मैंने जो है वहाँ पे कॉन्टोर किया है मेरे फेस को। नाउ नेक्स्ट इसको जो है ना मैं अभी आईब्रो फिल करने के लिए मैं ये पेंसिल भी यूज़ करने वाली हूँ आज। तो बेसिकली मेरा जो आईब्रो का शेप है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको शेप करूँगी। ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखेंगे, जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको वैसे स्ट्रोक्स दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई आईब्रो शेप। बस नाउ नेक्स्ट इसमें अभी हम जो है आईज करेंगे अपनी। सो फॉर आईज मैं जो पैलेट यूज़ करती हूँ जैसे आपको पता ही है, तो इसमें से जो है ना मैं पिंकिश शेड लेने वाली हूँ, लाइट पिंक ये वाला शेड ले रही हूँ मैं। और हल्का सा जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी आईज को लगा रही हूँ कि कौन हो। बहुत अच्छा शेड है ये, बहुत लाइट लगा रही हूँ। तो जैसे कि हम एक ड्यूई ग्लोई मेकअप करने वाले हैं तो इसमें जो मैं रखने वाली हूँ जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक ड्यूई रखने वाली हूँ इसको मैं। तो से जो डार्कर शेड है अभी अवेलेबल इस किट में वो है ये शेड, तो मैं ये यूज़ करूँगी थोड़ा मिडल में बिकॉज ये थोड़ा सा शिमरी है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने लाइट कलर लिया है उसी से थोड़ा डार्क कलर उसी के नीचे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा लुक आया है ये। तो सेम मैं अपनी, सो गाइज मैंने अपनी दोनों आईज जो है कंप्लीट कर ली है। अभी मैं क्या करूँगी ना, ये जो लाइटर शेड है ना इसी को मैं जो है अपने लोअर लिड मतलब जो अपनी नीचे वाली आंखें होती है उनको इस तरह से जो है मैं फिल कर लूँगी। मैं इसको पेंसिल की तरह यूज़ कर करती हूँ, कोई कोई यहाँ पर पकड़ कर ही करता है बट मुझे, मैं मेहंदी भी अगर किसी को निकालती हूँ ना तो मैं पेंसिल के जैसे ही पकड़ती हूँ। सो आईज हो चुकी है, अभी इसको थोड़ा ना एनहांस करने के लिए बेसिकली हम जो है ये लगाने वाले हैं मस्कारा, दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन। सो जस्ट अप्लाई करती हूँ इसको अच्छे से, इतना डिफरेंस लग रहा है ना। सो गाइज मैंने मस्कारा लगा लिया है, आप देख सकते हो मेरी नेचुरल लैशेस है, कोई भी फेक लैशेस मैंने नहीं लगाई है। नाउ नेक्स्ट अभी इसको जो है हम हाईलाइट करेंगे। तो पहले मैं ये पैलेट ले रही हूँ सो दैट मेरी ये जो नोज की जो ब्रिज है इस पर मैं ये लगाऊंगी सो दैट एक शाइन आए। अभी इनर कॉर्नर्स में ये सेम लूंगी मैं और इस ब्रश की मदद से इनर कॉर्नर्स फिल करूंगी। तो जब भी आप मेक श्योर करो कि अगर आप काजल नहीं लगाया, जैसे आप देख सकते हो मैंने काजल वाजल नहीं लगाया है, तो आप मेक श्योर करो कि जो मस्कारा लगाते हो ना तो उसका दो कोट तो एटलीस्ट आप लगाओ सो दैट एक अच्छा बोल्ड लुक आए आपके आंखों का। एंड यस, ये मैंने लगाया है। अभी जो मैंने जो इल्यूमिनेटर फर्स्ट मेरे फाउंडेशन में मिक्स करके लगाया था ना सो वही मैं अपने हाथ में लूंगी और
अपनी यहाँ पे जो है उसको इस तरह से लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी। देख सकते हो आप शाइन। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट मैंने अपना लिक्विड वाला लगाया था, यहाँ पे लगाऊंगी थोड़ा सा। अब जरूर ट्राई करना, ये इल्यूमिनेटर बहुत ही अच्छा है। सो यस, आप देख सकते हो द शाइन। सो ये थोड़े टाइम के बाद जो है ये थोड़ा सा मतलब सूख जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छा लुक देगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई अ लिपस्टिक, फॉर विच मेरे पास जो है ना ये 20 रुपीज वाला लिपस्टिक है जो मैंने मार्केट से लिया था, तो पिंक में मेरे पास नहीं है कोई अच्छा, तो मैं ये ले रही हूँ। अपने लिप के शेप के हिसाब से मैंने इसको जो है लगाया है। सो गाइज नाउ दिस इज माई फाइनल लुक गाइज। सो मैंने जो है ज्योति सेठी जी को थोड़ा सा कॉपी, मतलब कॉपी तो नहीं, एग्जैक्ट तक तो नहीं दिख रही हूँ मैं वैसी, बट वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो थोड़ा सा मैंने जो है ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा ड्यूई सा लुक दूँ। एंड आई होप कि मैंने थोड़ा सा भी अगर मैच कर पाया हो तो इट्स मोर फॉर मी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, एंड ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।